फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल मनोज। दोस्तों, मैं आज कोई टेक्निक या टेक वीडियोस लेके नहीं आया हूँ। दोस्तों, मैं सिर्फ आज इतना कहने के लिए आया हूँ कि मेरे चैनल ने जो है टेक्निकल मनोज ने 100 सब्सक्राइबर को जो है क्रॉस कर लिया है, मतलब कि 100 प्लस सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे हो गए हैं। दोस्तों, ये सब सिर्फ आप लोगों की वजह से हो पाया है। दोस्तों, आप लोगों का प्यार मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहा है एंड मेरे चैनल पे रिस्पॉन्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। दोस्तों, मुझे पता नहीं था इतना जल्दी मेरे 100 सब्सक्राइबर क्रॉस कर जाएंगे। अभी शायद 115 मतलब कि 115 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो इसी तरह का आप लोगों से मुझे प्यार चाहिए। हो सकता है आगे जाकर मेरा 1K 10K एंड 100K भी बहुत जल्दी मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, इसी तरह का मेरे चैनल को प्यार देते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय। सो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने देखा कि मेरा 100 सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में मैंने बनाई थी वीडियो आई से 2 साल पहले, जहां पर मेरे चैनल पर हो गए थे 100 सब्सक्राइबर्स, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुआ था 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के बाद। और दोस्तों, वो चैनल का नाम था टेक्निकल मनोज, जैसा कि आप लोगों को पता है ये वाला चैनल नहीं है। उससे पहले मेरा एक चैनल था जो कि बंद हो गया है, उसका एडसेंस डिसेबल हो गया था परमानेंटली। तो उस वो चैनल अभी भी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि डेड कर गया है, अभी तक जिंदा है, 41K सब्सक्राइबर्स भी है। तो उस चैनल पर जब 100 सब्सक्राइबर्स हुआ था, तो मैंने उस टाइम एक वीडियो बनाई थी जो कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आप लोगों को प्ले करके दिखाया। और दोस्तों, आप लोगों ने टाइटल पर देखा कि जो 4000 घंटे का जो वॉच टाइम है, वो हम लोगों को लगता है कि यार बहुत बड़ा माइलस्टोन है, इसको कंप्लीट करना इम्पॉसिबल वाली बात है। लेकिन मैं दोस्तों कहना चाहूँगा कि ये जो है आपका ऐसा एक टाइम आता है जब आपका एक एक दिन में 4000 घंटा वॉच टाइम आता है, ठीक है, आपके लिए वो एक चुटकी वाला खेल हो जाता है। 4000 घंटा वॉच टाइम एक एक दिन में 4000 घंटा नहीं, 8000 10000 घंटा वॉच टाइम आ जाता है, ठीक है। लेकिन उस दिन के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ता है बताइए? मेहनत करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, उस दिन का आपको वेट करना पड़ता है। आप बोलोगे कि मैं छटपटाने लगूंगा, वीडियो में नहीं बनाऊंगा, मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा, तो उस तरह से नहीं हो पाएगा। तो गाइज, आज है फाइनली संडे, ठीक है, संडे होता है Q&A का दिन, लेकिन Q&A मैं आजकल नहीं बनाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ संडे में आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करने की, और संडे को थोड़ा जो वीडियो रहेगा वो थोड़ा यूनिक ही रहेगा। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को मैं चलिए बताता हूँ कि एक दिन में 4000 घंटा वॉच टाइम कैसे हो जाता है, और आप लोगों को मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा मोटिवेट करने की कि यार यूट्यूब जो है उतना भी हार्ड नहीं है जितना आप सोचते हो, बस आपको काम सही तरीके से यहाँ पे करना पड़ता है। तो चलिए, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, साथ ही नॉलेजेबल भी है, साथ ही आपको थोड़ा सा जुनून भी आएगा वीडियो को देखने के बाद। वीडियो को एंड तक देखते रहो, और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको आगे भी इसी तरह की वीडियोज मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरा जब 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने में पता है कितना दिन लगा था? 3 महीने लगे थे चैनल पर 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने में। हो सकता है आप में से बहुत कोई होंगे जिनका चैनल खोलते खोलते ही 1-2 दिन में, सप्ताह भर में ही 100 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगे थे 3 महीना। रीजन ये था कि मैं कभी अपने वीडियोज को शेयर नहीं करता था किसी के भी साथ, ना फैमिली रिलेटिव ना फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे लगता था कि वो लोग मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैं उन वीडियोज को शेयर नहीं करता था। और जैसा कि आप लोग स्टार्टिंग में वीडियो देखा, वहाँ पर देखा कि मैं कैसा उस टाइम दिखता था, बोलने का तरीका कैसा था, बोलने भी मैं अच्छा से नहीं सक रहा हूँ, और वीडियो की क्वालिटी अगर बोले तो कुछ नहीं है, लाइटिंग सेटअप नहीं है, सिर्फ एक फ़ोन था, तो वीडियो क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं आता था, ना बोलने का तरीका आता था, ना मैं अच्छे तरीके से बोल पाता था। 100 सब्सक्राइबर्स हुआ था 3 महीने के अंदर में। तो दोस्तों, मैं बताना दूँ, एक एक दिन में जो सब्सक्राइबर्स गेन होता था वो कभी 2 कभी 4, कभी 1 बढ़ गया कभी 2 बढ़ गया, तो उसी में बहुत ज़्यादा खुशी होता था। हो सकता है आप लोग में से अभी ऐसा होता होगा, नया जब न्यू चैनल है, आप न्यू स्टेज में हो, तो आप सबका देखिएगा कभी रिफ्रेश मारेंगे तो अरे यार आज 2 सब्सक्राइबर्स बढ़ गया, तो कितना ज़्यादा खुशी आपको अंदर से फील होता है कि यार आज 2 सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ गए। अगर जेन्युइन तरीके से बढ़ते हैं तो आप किसी को बोल करके करवाओगे उसमें मज़ा नहीं आएगा, उसमें आपको खुशी हैप्पी फील नहीं होगा, लेकिन आपने किसी को बोला ही नहीं, अगर खुद से खुद ब खुद 2 सब्सक्राइबर्स बढ़ गया तो देखना आपको कितना ज़्यादा खुशी होगा अंदर से। तो बात दोस्तों यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि 4000 घंटा का जो वॉच टाइम होता है वो आप लोगों को लगता है बहुत बड़ा माइलस्टोन है, लेकिन देखिए मैं बताता हूँ, किसी भी सोशल मीडिया को ग्रो होने में जो है टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आज से आपने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, आज ही आप जो है बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए या फिर आपका चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको मेहनत करना पड़ता है, रेगुलर कंटेंट देना होता है पब्लिक को। उसमें क्या होता है कि देखिए दोस्तों, यूट्यूब का या फिर कुछ भी कोई भी सोशल मीडिया का बात कर लूँ, यहाँ पर टिकटॉक हो गया, इंस्टा हो गया, कुछ भी हो गया, सारे सोशल मीडिया जो है वो धीरे धीरे ग्रो करता है, और आपको रेगुलरिटी एक मेंटेन करना पड़ता है, आपको वीडियोज रेगुलर बनाना पड़ता है। ऐसे में क्या होता है, देखिए ये ग्रो कैसे होता है, इसके पीछे का मैं रीजन बताऊंगा कि ग्रो आखिर होता कैसे है। तो देखिए, सबसे पहली बात, आप जब नया चैनल बनाया, आपने किसी बहुत सारे फ्रेंड्स को, अपने फैमिली रिलेटिव्स को अपना चैनल का लिंक शेयर कर दिया, उसमें से मान लीजिए 40-50 सब्सक्राइबर्स आपके एक दिन में बन गया। अब दोस्तों, जब आप वीडियो बनाते हो तो 2-4 व्यू जो है आपके उस फ्रेंड्स के थ्रू आ गया, या फिर आपने खुद से 1-2 बार देख लिया अपने वीडियो को, तो 6-7 व्यू हो गया। अब आप वो वीडियो अगर आपका अच्छा हो, वॉच टाइम आपका अच्छा आता है, तो वो क्या होता है कि अदर पब्लिक के पास भी उसका इंप्रेशन जाता है, यूट्यूब उसका इंप्रेशन भेजता है।
लेकिन उस वक्त क्या होता है कि आपका थंबनेल हो सकता है अच्छा ना हो, जिसके वजह से इंप्रेशन तो जाता है, मतलब दूसरे पब्लिक के पास जाता तो है लेकिन आपके वीडियो को कोई ओपन ही नहीं करता, या फिर हो सकता है आपका टॉपिक सही नहीं रहता होगा जिसके वजह से वो वीडियो कोई खोलता नहीं है। यहाँ पर रीजन ये आता है, ऐसा नहीं कि YouTube आपके वीडियो को इंप्रेशन नहीं भेजता, इंप्रेशन भेजता है। आपको इंप्रेशन भी आजकल दिख जाएगा, YouTube स्टूडियो जो एप्लीकेशन है उसमें नया फीचर आया है, अभी नया अपडेट आया है, उसमें आप अपने वीडियोज का इंप्रेशन चेक कर सकते हो अपने चैनल का, कि आपका इंप्रेशन कितने वीडियोज का कितना इंप्रेशन जा रहा है, मतलब लोगों कितने लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, YouTube आपके वीडियोज को कितने लोगों तक पहुंचा रहा है। तो वहां पर आप देखोगे कि YouTube आपके वीडियो को 10-12 लोगों तक पहुंचाता तो है लेकिन आपका व्यू 10-12 नहीं आ पाता है। रीजन यहाँ पर बहुत सारे हो सकते हैं, एक तो हो सकता है आपका थंबनेल अच्छा नहीं होगा या फिर आपका कंटेंट टॉपिक ही अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जिस पब्लिक के पास गया हो सकता है उस टॉपिक को देखने में उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि इंप्रेशन अगर YouTube आपको भेज रहा है आपके चैनल्स का, आपके वीडियोज का, तो आपको देखना होगा कि मेरे में क्या कमी आ रहा है, मैं थंबनेल अच्छा बना रहा हूँ या नहीं बना पा रहा हूँ, या फिर मेरा टॉपिक सही नहीं रहा, पब्लिक क्या देखना चाहती है, पब्लिक को क्या पसंद है, कुछ उस तरह का टॉपिक आपको फाइंड करना होगा। यहाँ पर मेहनत आपको करना होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगर मान लीजिए YouTube जो है आपके 10-12 लोगों तक पहुँचाया, अब 10-12 लोग जो है आपके चैनल को खोला और वहाँ पर अगर आपके वीडियो को किसी को पसंद आता है तो वहाँ पर जो है सब्सक्राइब करता है। अब सब्सक्राइब किया तो मान लीजिए आपका एक दिन में एक सब्सक्राइबर्स बढ़ा, दूसरे दिन में दो बढ़ा, तीसरे दिन में चार बढ़ा, इस तरह बढ़ते 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 दोस्तों क्या होता है कि आपका चैनल का धीरे 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 ग्रोथ रेट जो होता है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। सारे सोशल मीडिया के यहाँ पर यही फैक्ट है। स्टार्टिंग में आपको बहुत मेहनत लगेगा, 1 से 100 सब्सक्राइबर्स बनाने में मत बोलिए, जान निकल जाएगी, ठीक है। अगर मेरे जगह आप रहोगे तो 3 महीने मुझे लगा था 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने में, और वहीं पे 100 से 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने में 6 महीने लगे थे, मतलब कि 3 और एक्स्ट्रा 3 लगा था। 3 महीने में 100 सब्सक्राइबर्स हुआ और अगला 3 महीने में 1000 सब्सक्राइबर्स हो गया, मतलब 900 सब्सक्राइबर्स वहां पर बढ़ गया। तो यहाँ पे देखिए अपने आप में इंप्रूव करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि मेरा 3 महीना में 100 सब्सक्राइबर्स बढ़ा और अगला 3 महीना में 900 सब्सक्राइबर्स एक्स्ट्रा कैसे बढ़ गए, क्योंकि मैंने अपने आप में इंप्रूव किया था। मैं हमेशा YT स्टूडियो ये सब को देखता था, मैं अपने वीडियोज को एनालाइज करता था कि यहाँ पर मेरा गलती क्या हो रहा है, पब्लिक क्या देखना चाहती है। जैसे कि मैंने पहले बताई थी एक दो वीडियो में कि मैंने एक बार वीडियो बनाया था कि मेरा जो है नोगट अपडेट सैमसंग गैलेक्सी J7 में नोगट अपडेट नहीं आएगा, तो पब्लिक ने मुझे बहुत ज़्यादा गाली दिया था कि यार तू गलत बोल रहा है, कोई प्रूफ नहीं है, कैसे नहीं आएगा। तो मैं समझ गया वहाँ पर कि पब्लिक को झूठ सुनना ज़्यादा पसंद है, ठीक है। वहाँ पर मैं जब बोल रहा हूँ कि नहीं आएगा तो वो बोल रहे नहीं, मुझे ही गाली दे रहे। तो फ्रेंड्स मैंने अब क्या किया कि मैंने जो है एक बार वीडियो बना दिया कि यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी J7 पे नोगट अपडेट आएगा। अब जब मैंने ये वीडियो बनाया कि नोगट अपडेट आएगा, तब वहाँ पर पब्लिक का भरपूर वीडियो पर लाइक आने लगा, कमेंट्स भी अच्छा आने लगा कि मनोज भाई आप सही बोल रहे हैं। वहाँ पर फिर मैंने प्रूफ नहीं दिया था लेकिन फिर भी वहाँ पर सबको बोलने लगा कि हाँ वीडियो बहुत अच्छा है और सब्सक्राइब भी करने लगे। मतलब अगर व्यूज़ की बात करें तो मैं बोल सकता कि फाड़ के व्यूज़ आने लगा उस टाइम, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पब्लिक को पसंद आने लगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बस आपको यही दिमाग लगाना पड़ता है कि आपको जो है पब्लिक आपकी क्या देखना चाहती है, या फिर आपको जो है आपका थंबनेल कैसा है, अपने आप में इंप्रूव कीजिए, और पब्लिक क्या पसंद आ रही है, पब्लिक को क्या पसंद है, ये सब जो है सोचना पड़ता है, थोड़ा गेम करना पड़ता है। ये सब नहीं करोगे तो आपका चैनल कभी ग्रो ही नहीं होता है। तो ये सब सिर्फ आपको करना पड़ता है। अब दोस्तों अगर बात करें कि मैं स्टार्टिंग डेज में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर मेरा जो है एक एक दिन में अगर वॉच टाइम की बात करूँ तो कभी आता था 1 मिनट का, कभी 2 मिनट का, कभी 1 घंटा का, 2 घंटा का, इस तरह का। लेकिन आज दोस्तों इसी जगह अगर आप डिफरेंस देखोगे तो एक एक दिन में 4000 घंटे के वॉच टाइम से भी ज़्यादा वॉच टाइम आता है मेरा। 4000 घंटे का मतलब होता है दोस्तों 2,40,000 मिनट, ठीक है। आप 4000 घंटा वॉच टाइम का मतलब होता है, 4000 घंटा को जब आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो आपको 2,40,000 मिनट निकलेगा। मेरा अभी एक एक दिन में 4-4 लाख, 5-5 लाख मिनट वॉच टाइम आता है, मतलब 4000 घंटा का डबल, 8-8 हज़ार घंटा वॉच टाइम एक एक दिन में आ जाता है। यहाँ पर मैं आपको प्रूफ भी शो कर देता हूँ, तो अभी आप यहाँ पर जो है स्क्रीनशॉट देख सकते हो, तो यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे एक एक दिन में यहाँ पर जो है 4-4 लाख मिनट आप लोगों को वॉच टाइम दिख रहा होगा। तो बस दोस्तों ये दिन आपको देखने के लिए क्या करना पड़ता है बताइए, यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है अपने आप में। ये दिन मुझे देखने के लिए 2 साल 2.5 साल मैंने मेहनत किया है यूट्यूब पर रेगुलर एकदम। अब आप में से बहुत कोई हो सकते हो कि 2-2.5 साल, आप में से बहुत कोई जो है ऐसा है कि 2-2.5 साल अभी मेहनत कर चुके हैं लेकिन आपको फिर भी रिजल्ट नहीं मिला। तो यहाँ पर अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आप में ही कोई ना कोई कमी होगी। मुझे रिजल्ट मिला, आपको नहीं मिला, तो ये इसका मतलब ये है कि आप में कोई ना कोई कमी होगी, या फिर मैं आपसे ज़्यादा कुछ अच्छा काम कर रहा था या फिर कर रहा हूँ। अपने आप में इंप्रूव आप नहीं कर रहे होगे। देखिए दोस्तों यूट्यूब जो है आपके चैनल्स का इंप्रेशन भेजता है, मैंने जैसा कि कहा कि आपका थंबनेल हो सकता है तब गलत होगा, या फिर आपका वीडियो का टॉपिक सही नहीं होगा जिसके वजह से आपका जो है वीडियो पे क्लिक्स नहीं आ रहे, आपका पब्लिक वीडियो को देख नहीं रहा।
अब दोस्तों यहाँ पर बात करें कि स्टार्टिंग डेज में क्या होता है कि आपका सब्सक्राइबर्स ग्रोथ जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन आपका जैसे जैसे चैनल पर धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स आने लगते हैं, 2, 4, 5 इस तरह करके जेन्युइन सब्सक्राइबर्स, तो आपका चैनल का जो है वीडियो में वॉच टाइम आने की वजह से फिर क्या होता है वो नए लोगों तक इंप्रेशन जाता है और आप जब इंप्रूव करते हो तो धीरे धीरे आपका चैनल का जो ग्रोथ रेट होता है, सब्सक्राइबर बढ़ने का जो स्पीड होता है वो बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। 100 से 1000 सब्सक्राइबर्स होने में बहुत टाइम लगता है, 1000 से 10,000 होने में थोड़ा कम लगता है, 10,000 से लाख होने में जो आपको टाइम ही नहीं लगता है अगर आप अपने आप में इंप्रूव करोगे तो। बस यहाँ पर एक ही यहाँ पर शर्त लागू होता है, ऐसा नहीं कि सबके साथ ये चीज़ होता है, अपने आप में आपको इंप्रूव करना होगा, आपको सोचना होगा कि मेरा थंबनेल कहाँ पर गलती हो रहा है, या फिर मैं टॉपिक हो सकता सही फाइंड नहीं कर रहा हूँ, या फिर मेरा वीडियो में कोई कमी होगा, तो ये सब चीज़ अपने आप में आपको सोचना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो में जो है मैंने कोशिश किया आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए कि 4000 घंटा जो वॉच टाइम होता है ये बड़ा चीज़ नहीं होता है, ठीक है, एकदम छोटा सा चीज़ है। अभी आप मेरे जगह पे देखिए, देख के देखो कि कुछ नहीं है मेरे लिए। तो दोस्तों ये चीज़ देखने के लिए, ये कुर्सी पर आज बैठने के लिए मैंने क्या किया है, स्ट्रगल किया है, मेहनत किया है, ऐसे ही नहीं हो गया, मैं यहाँ पर सो कर मेरा नहीं हो गया था, मैंने यहाँ पर मेहनत करी है, गर्मी में, धूप में, गर्मी में दरवाज़ा बंद करके, पंखा बंद करके, पसीने में भींग के वीडियोज़ बनाता था, तो ही ये जो है ये दिन देखने को मिला है, इस कुर्सी में बैठने को मौका मिला है और ये पीछे एक अच्छा सा बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा। तो बस आप लोगों से यही कहना है कि डीमोटिवेट नहीं होना है, आपका 4000 घंटा वॉच टाइम बड़ा चीज़ नहीं होता है, बस उस दिन के लिए आपको वेट करना है और आपको रेगुलर जो है बेसिस पे कंटेंट ढूंढना है, अपने आप पर इम्प्रूव करना है, वीडियोज बनाते रहना है, हार मत मानो, होगा एक दिन, जरूर होगा, आप भी मेरे तरह इस तरह से वीडियोज बनाओगे किसी दिन, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी बस। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो आप लोगों को, संडे वाला दिन था तो हो सकता है आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मजा आया होगा, अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो या सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।